और मंदिर का अंदर का बैकग्राउंड दिखाता हूँ फ्रेंड्स, आप सेकंड भाग में भी देख लो। तो फ्रेंड्स ये रहा बजरंग बली जी का प्रतिमा जो, और इधर का ये देख सकते हो फ्रेंड्स स्वर्ग टाइप का नजारा, पूरा हरा भरा, गर्मी के दिन में इतना हरा भरा दिखने को मिल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे बच पा होंगे। तो फ्रेंड्स स्वागत है ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स यार आप लोग बहुत दिन पहले देखे थे, मैं मंदिर गया था और वहाँ लोकेशन वाला ऐड किया था। तो फ्रेंड्स इसका सेकंड भाग है और आज है 12 तारीख, ठीक है 12 तारीख का ये सेकंड भाग है फ्रेंड्स। तो मैं मंदिर गया था, जंगल में था, तो उसी दिन का है। अभी मैं जंगल में ही हूँ, मंदिर के पास हूँ और यहाँ से घर जाने वाला है, सेकंड पार्ट है फ्रेंड। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हो तो जाके देख लेना यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और जाके देख लेना मंदिर वाला। तो फ्रेंड्स यार ये देखो इधर का बैकग्राउंड कैसा है, पिछले ब्लॉग में देखे थे लेकिन अभी वाला ब्लॉग में देख लो। अभी थोड़ा मस्त सीन आ रहा है क्योंकि अभी सूर्य है ना अस्त हो रहा है, तो एकदम भयानक वाला सीन दे रहा है। तो फ्रेंड्स यार दिखाता हूँ यहाँ का सीन को यार। तो फ्रेंड्स ये देखो अपना मंदिर जो हवा में, इसका जो झंडा है बजरंग बली जी का कितना खतरनाक लहर रहा है, एकदम काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और फ्रेंड्स यार इधर एक खतरनाक जंगल है, देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स। और चट्टान है और दूर दूर तक के आसपास आपको घर नहीं देखने को मिलेंगे, बहुत दूर दूर में घर है। तो फ्रेंड्स यार ये देखो ये मंदिर है और यहाँ से पूरा एरिया देख लो फ्रेंड्स कैसे दिखता है। अभी सूर्य अस्त होने वाला है, हो जाएगा कुछ देर में हो जाएगा, ठीक है। देखो बजरंग बली है, सूर्य को खा गए थे, निकल गए थे यार, अभी याद आ रहा है मेरे को, ब्लॉग बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यार अभी मैं यहीं आया हूँ और ये पूरा चट्टान जगह में ये देख सकते हो बहुत ऊपर है और मैं अकेले आया हूँ, पिछले ब्लॉग में देखे थे वैसी नहीं, देखो तो जाके देख लेना पूरा स्टोरी समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी मैं अकेला आया हुआ हूँ और देख लो मेरे को दूर भी जाना है, यहाँ पर काफ़ी लेट टाइम स्पेंड किया फ्रेंड्स, पूजा पाठ किया, ब्लॉग नहीं देखे हो फर्स्ट वाला तो देखना यार, काफ़ी मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स यार ये देखो मंदिर का सीन और मंदिर का अंदर का बैकग्राउंड दिखाता हूँ फ्रेंड्स, आप सेकंड भाग में भी देख लो। तो फ्रेंड्स ये रहा बजरंग बली जी का प्रतिमा जो अंदर है फ्रेंड्स, और ये देखो इधर का सीन। तो फ्रेंड्स यार इसके बाद इधर का सीन ऐसा है, पूरा नीचे चट्टान चट्टान है, मैं ये वाला रास्ता से आया था, यही वाला रास्ता मैं जाऊँगा। और यहाँ पर है तुलसी जो कि पूरा चट्टान में है, और यहाँ पर कुछ भगवान का प्रतिमा है जो मूर्ति बना हुआ है फ्रेंड्स, ये देख सकते हो आप। और इधर ये ऐसा है और ये पूरा चट्टान है फ्रेंड्स, और चट्टान में उगा है, ये सबसे बड़ी बात है, मेरा पैर को लग जा रहा था। तो फ्रेंड्स ये देखो ये पूरा चट्टान में से उगा है, पूरा चट्टान है फ्रेंड्स, इधर देख सकते हो चट्टान में यहाँ पर भगवान जी का वास हुआ है। और यहाँ पर कुछ झाला झोपड़ी बना रहे थे बट ये कम्प्लीट नहीं हुआ है, बाद में कम्प्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स यार ये जो मंदिर देख रहे हो काफ़ी ऊंचा चट्टान जगह में फ्रेंड्स, और मैं अकेला आया हूँ, डर भी लग रहा था, बीच में रास्ता था फ्रेंड्स। फर्स्ट ब्लॉग में ये सबको पता चलेगा यार, सेकंड भाग है तो काफ़ी मज़ा लेना सेकंड भाग में भी। तो फ्रेंड्स यार मैं यहाँ पर अकेला आया, खतरनाक डर लग रहा था, जंगल है रास्ता में। तो फ्रेंड्स यार मस्त लगा यहाँ पर आकर, पूरा दिल खुश हो गया। मैं बोल रहा था मेरे दोस्तों को चलो लेकिन वो लोग नहीं आए, ठीक ही किए नहीं आए, ताकि मैं अकेले पूरा वीडियो बना के ख़त्म कर दिया यार। काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है, भगवान के चरणों में आया था, मिला, ऐसा लगता है भगवान से मिलना जुड़ना टाइप का लगता है फ्रेंड्स, एकदम क्या ही करना, बहुत दिल खुश है। तो फ्रेंड्स यार इधर का बैकग्राउंड पूरा देख लिए, पूरा जंगल में है और यहाँ मंदिर है देख सकते हो पूरा जंगल में। तो फ्रेंड्स यार यहाँ अभी से निकल रहा हूँ, यहाँ मैं काफ़ी टाइम से काफ़ी लेट यहाँ टाइम से पेट किया फ्रेंड्स, तो फिर अभी यहाँ से मेरा जाने का वक्त हो गया है क्योंकि शाम भी हो रहा है, सूरज अस्त हो रहा है और मेरे को रूम भी जाना है, तो मेरा रूम भी थोड़ा दूर ही है फ्रेंड्स, तो अकेले भी हूँ तो डर भी लग रहा है, तो यहाँ से जाना चाहिए फ्रेंड्स मेरे को। तो फ्रेंड्स यार ये बजरंग बली मेरे को आशीर्वाद दे रहे प्रभु कि मैं हमेशा आगे बढ़ूँ अपना जीवन में, गलत कामों से दूर रखना प्रभु, जय बजरंग बली। तो फ्रेंड्स यार यहाँ से मैं अभी निकल रहा हूँ, चलो निकलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये देखो इधर है जूता खोला हुआ मेरा, तो यही जूता को पहनूंगा, इसके बाद में फिर जाऊंगा यार। चलो अपना जूता के पास पहुंच गया मैं, जूता पहन लेता हूँ अब। तो फ्रेंड्स यार ये गूगल मैप में ऐड भी नहीं था, ठीक है, यहाँ का मंदिर जो है फ्रेंड्स गूगल मैप में ऐड नहीं था। मैं जहाँ भी मंदिर जगह में जाता हूँ ना फ्रेंड्स, गूगल में अगर ऐड नहीं रहता है तो मैं ऐड कर देता हूँ, नेटवर्क बस रहना चाहिए, मैं ऐड कर ही देता हूँ। तो फ्रेंड्स यार यहाँ का मंदिर आके काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड खूबसूरत लगा, दिल पूरा दिल खुश हो गया यार, भगवान से मिलना जुड़ना टाइप का लगा। तो यार हम गूगल में नहीं था तो मैं गूगल में जोड़ दिया हूँ, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर यहाँ आना चाहो तो ऑफ रोडिंग आना पड़ेगा, कुछ दूर रास्ता मिलेगा, इसके बाद ऑफ रोडिंग करके यहाँ आना पड़ेगा पैदल। तो फ्रेंड्स यार मेरे को हेल्प मांग सकते हो, मेरा चैनल में कमेंट करना या फिर इंस्टाग्राम में मेंशन करना, तो मैं बता दूंगा यहाँ पर कैसे आना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ से फिलहाल अभी जा रहा हूँ, जूता वूता पहन लिया,
काफी ज्यादा अच्छा लगा फ्रेंड्स यहाँ पर यार, जब पूरा दिल खुश हो गया यार। और मैं अकेला आया था, ये सबसे प्राउड फील होने वाली बात है कि मैं जहाँ पर देखा नहीं था फ्रेंड्स, और पूरा जंगल पार करके आया, तो ये काफ़ी खतरनाक चीज़ लगा कि चलो भगवान के प्रति मैं इतना तो किया यार, कम से कम इंसान लोग आजकल क्या ही कहना, लड़की के लिए पागल है, चलो मैं भगवान के लिए और यूट्यूब के लिए पागल हूँ। तो चलो कुछ चीज़ समझो यार, लाइफ क्या है उसको समझो, कोई दारू पीने के पीछे पागल, मनोज जो सही बात बोलते हैं, जो टेच गुरु है सही बात बोलते हैं, कोई लड़की के पीछे पागल है, कोई दारू के पीछे पागल है, कोई यज मस्त करने में पागल है, हम लोग को अपना काम के पीछे पागल रहना चाहिए फ्रेंड्स। सफलता मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें बहुत गलत बात है। तो फ्रेंड्स यार अपना काम के लिए लगे रहना हमेशा, एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और मैं यहाँ का लोकेशन में ऐड कर दिया ना, मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बजरंगबली का आशीर्वाद से मैं यहाँ पर पहुँचा और उनके लिए कुछ करके जा रहा हूँ। चलो भगवान, ऊपर जाऊँगा तो मेरे को, कभी मर जाऊँगा ना तो ऊपर जाके मेरे को मोक्ष प्राप्त होगा, क्या पता होगा कि नहीं, बस मजाक कर रहा हूँ यार। भगवान जाने मैं कितना पाप कर रहा हूँ, कितना चींटी को मार दिया, कितना मुर्गा खा गया, अलग वो सब अलग बात है फ्रेंड्स, मजाक मस्ती में हो जाता है। तो चलो फ्रेंड्स अपना रूम चलते हैं, इधर का रास्ता को दिखाता हूँ फिर यार आपको। फ्रेंड्स ये देखो सूरज और यहाँ मंदिर, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सूरज को खा गए थे बजरंगबली, सूरज आपको निकल गए थे पता है, बजरंगबली जी आपको निकल गए थे, जो कि यहाँ पर हैं। काफ़ी खतरनाक मस्ती करते थे फ्रेंड्स बजरंगबली यार। तो अभी फिलहाल मैं ये वाला रास्ता से जा रहा हूँ फ्रेंड्स, जब पूरा चट्टान ही चट्टान है और मैं अकेले हूँ, तो थोड़ा जल्दी फास्ट फास्ट में चलूँगा नहीं तो पूरा शाम हो जाएगा। हाँ यार, मेरे खुदा मेरे खुदा। तो फ्रेंड्स यार अभी मैं घाट उतरा, ये वाला जंगल चढ़ा था, मैं पीछे देख रहे हो पूरा जंगल, ये वाला जंगल चढ़ा था फ्रेंड्स, अभी वो घाट उतर चुका हूँ। और इधर का ये देख सकते हो फ्रेंड्स, स्वर्ग टाइप का नज़ारा, पूरा हरा भरा, गर्मी के दिन में इतना हरा भरा दिखने को मिल रहा है। और इधर पानी जगह जगह में फ्रेंड्स, इधर भी पानी है देख सकते हो, इंसान बोर कोड़वाता है तो बर्फ से भी पानी निकलता है, वहाँ ऊपर ऊपर पानी है देख सकते हो कितना ऊपर पानी है। इधर सूर्यास्त हो रहा है और इधर कितना सिनेमेटिक नज़ारा आ रहा है फ्रेंड्स। और ये वाला रास्ता से मैं जा रहा हूँ, ये देख सकते हो, अब तो मैं रास्ता भी जान गया हूँ, अब तो चल जा सकता हूँ फ्रेंड्स। ये देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स, आवेशम वाला हार्ड वाला एकदम, कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है इधर का हरा भरा सीन। ओ माय गॉड, ये देख सकते हो फ्रेंड्स कितना हरा भरा सीन है। हाँ यार इधर से होते हुए मैं जा रहा हूँ, इधर पानी बहुत ऊपर ऊपर है यार, ये देख सकते हो। तो फ्रेंड्स यार एक जंगल में पार हो चुका हूँ, ये देख सकते हो ये जंगल है, उसके ऊपर था मंदिर, वो दिखाता हूँ फ्रेंड जूम करके, ये देखो यहाँ पर मंदिर है। तो एक जंगल में पार कर चुका हूँ, फिलहाल अभी एक के और जंगल बाकी है, इसके बाद में अपना रास्ता आएगा। तो इधर ये वाला जंगल पार करना है मेरे को, तो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं तो शाम हो जाएगा। हो और मैं रुकता नहीं हूँ फ्रेंड, जहाँ भी जाता हूँ तो भयानक चलता हूँ, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स ये वाला जंगल को फटाफट से पार करते हैं यार। A few moments later. तो फ्रेंड्स यार अभी ये वाला जो पीछे देख रहे हो पूरा जंगल, ये वाला जंगल दो ठीक जंगल से अभी निकल चुका हूँ फ्रेंड्स, और अभी पूरा जंगल से निकल चुका हूँ, ये देख सकते हो इधर पूरा खाली खाली है। अभी रास्ता पूछने वाला हूँ तो दिखाता हूँ फ्रेंड्स, अभी ना यहाँ सूर्य एकदम खतरनाक लग रहा है, एकदम पूरा स्वर्ग वाला फीलिंग आ रहा है। तो सूर्य को देख लो फ्रेंड्स आप लोग, फ्रेंड्स ये देख सकते हो, आप लोग चाहो तो स्क्रीन शॉट मार के रख लेना, सूर्य कितना खूबसूरत देख रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स सूर्य, देख सकते हो आप लोग चाहो तो स्क्रीन शॉट मार के रख सकते हो वॉलपेपर के लिए। यार मैं जूम करके देखता हूँ एक बार कैसा लगता है, ठीक है। वाह वाह यार देखो कितना आवेशम दिख रहा है, कितना आवेशम, रुको थोड़ा इसको बीच में करता हूँ, ठीक है। और इसको जूम आउट करते हैं, देख लो फ्रेंड्स कितना स्वर्ग टाइप का लग रहा है, कितना आवेशम लग रहा है, सूरज का रोशनी यार बहुत प्यारा लग रहा है मेरे को। वाह कितना ज़्यादा आवेशम फ्रेंड्स, देख सकते हो पूरा स्वर्ग टाइप का यार। तो फ्रेंड्स फिलहाल अभी जाते हैं मेन रोड पहुँचते हैं यार, इसके बाद अपना रूम चलेंगे। और मेरे को बहुत ज़्यादा पानी प्यास लग रहा है, क्योंकि देखो इतना दूर चला हूँ ना और गर्मी का दिन है, पूरा पसीना पसीना टाइप का। तो फ्रेंड्स यार बहुत पानी पीने का मन कर रहा है, तो अभी रूम जाऊँगा फिर पानी पीऊँगा, बहुत पानी पीने का मन कर रहा है यार मेरे को। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं अपना रूम यार। तो फ्रेंड्स यार मैं अपना रूम भूल चुका हूँ और इतना ज़्यादा पानी प्यास लग रहा है कि क्या ही करना फ्रेंड्स यार, बहुत पानी प्यास लग रहा है और बहुत ज़्यादा चला हूँ फ्रेंड्स, और गर्मी का दिन है आप लोगों को पता है। तो यार अभी इधर पूरा अंधेरा है, अभी किचन रूम आया हूँ, पानी निकाल रहा हूँ,
महीने का पानी ही है, अभी तो नहीं भरा हूँ बोल रहा है सारे। तो फ्रेंड्स यार अभी थोड़ा सा सुकून फील हुआ यार, इतना पानी प्यास लग रहा था ना क्या ही बोलूं। तो फ्रेंड्स यार अभी खाना वाना बना रहा सागर, इसके बाद अभी खाना वाना खाएंगे। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग वीडियो पे यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ मैं डाटा रिचार्ज करवाने के लिए, क्योंकि वो ब्लॉग वाला वीडियो ना फर्स्ट वाला 1819 MB का है, तो यार उसके लिए 1.5 GB मिलता है मेरा मोबाइल में, वो मुश्किल वाला काम हो जाएगा कैसे अपलोड होगा। तो फ्रेंड्स यार आज का ब्लॉग वीडियो पे एंड कर रहा हूँ, अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर ना सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स आज के लिए ख्याल रखना, बाय बाय, कल मिलता हूँ आपसे।